मेरा नाम संदीप है और मैं मेरठ का निवासी हूँ। मैंने जो आज बौद्ध धर्म के विचारों को ग्रहण किया है वो माननीय श्री अतुल कृष्ण जी जो उस भारती के संस्थापक हैं उनसे प्रेरित होकर मैंने इस धर्म को ग्रहण किया है। ये धर्म हमें मैत्री का संदेश देता है और सारे विश्व को एक सूत्र में बांधता है। यही धर्म ऐसा है जिससे विश्व में शांति हो सकती है, जिसके लिए मैंने इस धर्म को ग्रहण किया है आज। ये तो कल का कार्यक्रम जो था, 1500 लोगों ने बौद्धिस्ट या बौद्धिज्म को अपनाया है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की इसमें मेहनत रही होगी। देखा जाए तो वो सारे हमारे पहले से ही उपासक लोग रहे हुए हैं और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि वो अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, जैसे कि वर्षावास के काल में अपने मन काया की शुद्धि करने के लिए लोग जो है उपोषशील का अभ्यास करते हैं, और ऐसे मौके पर जो उपासक उपासिका है वो अपने 8 शीलों को छोड़कर 5 शील ग्रहण करते हैं, तो स्वाभाविक है कि वह ऐसे अवसरों पर बड़े संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। तो जैसे कल 1500 परिवार यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाने के लिए, सुधार लाने के लिए और अपने जीवन में तरक्की करने के लिए उन्होंने जैसे कि 5 शील की दीक्षा ली। कल आप सुभारती यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम आयोजित हुआ जिसमें 1500 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया, क्या सच्चाई है इसकी? नहीं, बौद्ध धर्म तो अपना, बौद्ध धर्म अपनाना तो कोई होता ही नहीं है। बौद्ध धर्म को अपनाना और ना अपनाना तो तब होता है कि कोई चीज़ कन्वर्ट की जा रही हो। इसमें जो कार्यक्रम था ये बौद्ध धर्म की दीक्षा का कार्यक्रम, जो ऑलरेडी बौद्ध लोग हैं, बौद्ध धर्मावली हैं, वो धम्म परवरणा दिवस के लिए एकत्रित हुए। 5000 के करीब लोग एकत्रित हुए और उनमें 1500 परिवारों ने बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण करी भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के नेतृत्व में। जहाँ तक धर्मांतरण की बात है, धर्मांतरण का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो भी लोग इकट्ठा हुए वो ज़्यादातर बौद्ध धर्म अवलंबी थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डॉक्टर अतुल से मैं प्रेरित होकर के बौद्ध धर्म को अपनाया हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं कन्वर्जन का मामला है। ऐसा है कि बाकी लोगों को तो हम कह नहीं सकते हैं, मगर जो हम, जहाँ तक हमारे कार्यक्रम का तात्पर्य है, वो धम्म परवरणा दिवस है और धम्म परवरणा दिवस हर साल मनाया जाता है,